नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। राजेश शर्मा, आज के वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच केवल सिंपल सेंटेंस की बनती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोई इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनती। और सिंपल सेंटेंस जो हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। जब इंट्रोगेटिव को दो भागों में बांटेंगे तो छः तरह के हो गए। इस तरह से छः तरह के होते हैं सिंपल सेंटेंस। इन छः तरह के सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। कल हमने आपको एसर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था और उसमें सिंपल सेंटेंस बताए थे और प्रोनाउन का परिवर्तन बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में बताएंगे। पहले ये समझ लो कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप क्या है। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इच, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, डेयर, नीड, यूज टू, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो जिस क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी और हिंदी में उसका मतलब क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। और जो क्वेश्चन व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, डब्ल्यूएच फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, वो सेकंड टाइप होता है। आज हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। देखते हैं रूल। इन वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं, कोमास को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। क्या नई बात सामने आई है? जहां हम अब तक दैट का प्रयोग कर रहे थे एसर्टिव सेंटेंस में, वहां हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। सेड या सेड टू को पहले टू में बदल रहे थे, अब आस्क में बदलेंगे। रूल को ध्यान से देखिए आप। और रूल नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सर या मैडम के लिए रेस्पेक्ट फुल्ली लगाते हैं, इफ या वेदर को इसके बाद लगाते हैं। पहले रूल पे रहते हैं, दूसरा रूल भी जब वाक्य बनाएंगे जब बताएंगे हम आपको, पहले रूल का एक सेंटेंस देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस, राम सेड टू अनिल, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, कोमाज एंड इन्वर्ट कॉमा बिगिन, डिड यू नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। राम ने अनिल से कहा, क्या तुम कल मार्केट नहीं गए थे? इसमें सबसे पहले पॉइंट जो है, आपको पहचान किस बात से करनी, इंट्रोगेटिव है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई है और क्वेश्चन मार्क लगा है तो वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। उसका रूल हमने आपको बता दिया, सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं। राम आस्क्ड अनिल, और पहले यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनिल, सॉरी कोमाज बिगिन को हटाते हैं, इफ लगाते हैं, इफ यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अनिल के अनुसार ही लड़का मेल, ही में बदलेगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, डिड का क्या हो जाएगा, हैड, नॉट गोन टू मार्केट दी प्रीवियस डे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इनडायरेक्ट इसमें फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि बना हुआ वाक्य अब इंट्रोगेटिव नहीं है, बना हुआ वाक्य अब एसर्टिव है। इंट्रोगेटिव एसर्टिव हो गया एक लगाने से, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। अब दूसरा सेंटेंस दे लेते हैं, सीता सेड टू मीना कॉमा बिगिन हैव
देन योर वर्क क्वेश्चन मार्क वहां क्लोज। सीता ने मीना से कहा क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है। रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। सीता आस्क्ड मीना इफ यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मीना के अनुसार, मीना फीमेल है, फीमेल सी में बदल जाएगा। सी प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हैड डन हर वर्क, ये समझने की बात है हर वर्क, क्योंकि यू का पहले सिर्फ केस जो है ये ओवर होता है, लेकिन यू सीन बदल गया, सी का पहले सिर्फ केस हर हो जाएगा। इस तरह से ध्यान देना आपको। अब आप देखेंगे ये नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, सर या मैडम के लिए रेस्पेक्ट फुल्ली का प्रयोग करते हैं। अगर सर या मैडम आया है तो उसमें रेस्पेक्ट फुल्ली का प्रयोग करेंगे, और इफ या वेदर को रेस्पेक्ट फुल्ली के बाद ले जाएंगे। इस तरह से सोहन सैड टू दी टीचर वहाँ बिगिन सर मे आई गो नाउ क्वेश्चन मार्क वहाँ क्लोज। सोहन ने अध्यापक से कहा श्रीमान जी क्या मैं जा सकता हूँ। अब इसमें सर आ गया, सर के लिए रेस्पेक्ट फुल्ली का प्रयोग करेंगे, रेस्पेक्ट फुल्ली, और इसे इफ से पहले लगाएंगे। सोहन आस्क्ड दी टीचर रेस्पेक्ट फुल्ली। अब इफ का प्रयोग करेंगे, इफ आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदला सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सोहन है, सोहन ही में बदल जाएगा, ही मे का माइट हो जाएगा, माइट गो और नव का देन हो जाएगा, नव का देन कर देंगे इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह के सेंटेंस खुद लिखकर उनका अभ्यास कराना है, और आई थिंक दैट यू वुड हैव लाइक द टॉपिक, दैट्स ऑल।